आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर्जिंग क्लासेस में। तो यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की तरफ से फ्रेशर्स इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकल के आई है। तो यहाँ पे आप जैसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए वैकेंसी की बात करते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 38 वैकेंसी है और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका रखा गया इसमें तो वह है बीटेक या बीएससी आपका होना चाहिए, जो कि डिग्री आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में और वो भी केमिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क। उसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 25 वैकेंसी है तो इसमें भी आपका वही सेम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका बीटेक या बीएससी आपका होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है तो टोटल इनका देखिए 15 वैकेंसी है और इनके लिए देखिए जो कम्बिनेशन में जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है जिनका यहाँ पे टोटल 12 वैकेंसी है तो इसमें आपका जैसे कि यदि आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में आपका हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका हो तो ये सारे लोग भी हैं जो अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जो भी ब्रांच आपका यहाँ पे दिया हुआ है तो इसी फील्ड में आपका जैसे कि रेस्पेक्टिव आपका मतलब कि गेट का स्कोर होना चाहिए जो कि आप नीचे दिया गया है वो हम आपको अभी दिखाएंगे। और इसमें देखिए जो अपर एज लिमिट जो रखा गया बेसिकली आपका तो वो है 28 ईयर्स का इसमें रखा गया है और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो तो मैंने आपको जैसे इसमें बता ही दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसका तो इसमें देखिए जो आपका जैसे कि गेट 2019 का मतलब कि ये तो आपके पास क्वालिफाई होना जरूरी तो ये तो है ही और उसमें से भी जो आपका यहाँ पे जो डिसिप्लिन केमिकल इंजीनियरिंग का है तो जो कोरस्पोंडिंग गेट पेपर में जैसे 2019 का जो यानी कि अपीयर आपने हुआ होगा तो आपका इसी कोड के साथ होना चाहिए कि जैसे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो मैकेनिकल एमई कोड होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला तो एई कोड होना चाहिए डबल ई का और जो इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है तो उनका इंस्ट्रूमेंटेशन और इसी मतलब कि इनका कोड होना चाहिए गेट का मतलब कि जिससे भी जो भी सब्जेक्ट कोड से आपने अप्लाई किया आप यानी कि आपने अपीयर हुआ होगा तो वही इसमें वैलिड माना जाएगा। अब इसके बाद देखिए जैसे कि 2019 का जो गेट स्कोर आपका होगा तो वही इसमें वैलिड माना जाएगा। आप यदि आप 2018 का या फिर उससे पहले का आप दिखाते हैं तो वो आपका इसमें वैलिड नहीं माना जाएगा तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना इसमें। और देखिए जैसे कि 2019 का जो गेट स्कोर कार्ड आपका होगा तो उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट तो आपको किया ही जाएगा, बाकी जो फर्दर जो आगे का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो उसमें देखिए यहाँ पर 3 प्रोसेस आपको गुजरना होगा, जैसे कि पहला आपका बिहेवियरल टेस्ट है, दूसरा आपका ग्रुप डिस्कशन है और तीसरा आपका पर्सनल इंटरेक्शन यानी कि पर्सनल इंटरव्यू है। और इसके बाद देखिए जैसे कि कैंडिडेट को कि असेंशियली क्वालिफाई जैसे 2019 गेट को तो करना ही है मतलब वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, इसके अलावा जो मतलब यहाँ पे जो तीनों प्रोसेस आपका दिया गया जैसे कि आपका बिहेवियरल टेस्ट है, ग्रुप डिस्कशन है या फिर जो आपका पर्सनल इंटरव्यू, तो इन तीनों में आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना होगा, यहाँ पर क्लियरली आपका लिखा हुआ है यानी कि आपको हर एक स्टेज में आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना होगा। यदि आप मान लीजिए कि बिहेवियरल टेस्ट में फेल हो गए बाकी आप ग्रुप डिस्कशन और पीआई में आप पर्सनल इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो भी आपका मतलब कि सिलेक्शन नहीं होगा, तो मतलब कि आपको तीनों स्टेज में आपको पास करना जरूरी है और इन तीनों को इक्विवेलेंट मतलब स्कोर तैयार किया जाएगा और उसी के बेसिस पर जो आपका फाइनल मेरिट आपका बनाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम जैसे कि सैलरी की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे L1 में ये बेसिकली रखा गया है जिसमें कि आपका स्टार्टिंग जो एनुअल जो आपका CTC रहेगा तो वो लगभग आपका यहाँ पे देखिए 7 लाख रहेगा आपका। और इसके बाद जैसे कि आपका एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा और जो कि परफॉर्मेंस लिंक्ड एग्रीमेंट भी आपका होगा, बेसिकली ये सारे चीज़ में आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहाँ से आप लोग को यहाँ पे जो भी असेंशियल जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा या जो भी चीज़ें होंगे तो आपको वहाँ पे फिलअप हो जाएगा और साथ में आपको कोई भी जैसे 2019 का एक गेट स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना होगा। अब उसके बाद देखिए जैसे कि आपका जो यहाँ पे फॉर्म जो अप्लाई करने का जो डेट है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग डेट होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तो वो आपका 28/2 से स्टार्ट हो चुका है ये, और उसके बाद जो आपका लास्ट डेट है तो आपका 15 जनवरी तक का है 2020 तक का, और कट ऑफ ऑफ जो कैलकुलेटिंग एज का होगा आपका तो वह है 15/3/2020 तक का। तो इसमें मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया। तो देखिए बेसिकली ये जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा तो ये आपका 2019 का गेट स्कोर कार्ड और बाकी जो 3 और इसमें है जैसे आपका बिहेवियरल टेस्ट है और पर्सनल इंटरव्यू है और ग्रुप डिस्कशन आपका है तो इन तीनों में आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना होगा और उन्हीं के बेसिस पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। हालांकि देखिए गेट में यदि आपका स्कोर ज़्यादा रहेगा तो वो आपका ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपका। तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड और कोई यदि आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करना, हम आपको जरूर उसके बारे में बताएंगे। और इस तरह के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।